बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख्याल टीवी की मौजूद खवातीन और हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिकीजर और आज की इस वीडियो में कुव्वत बा बढ़ाने के कुदरती तरीके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मर्द हज़रात अपनी कुव्वत बा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ये तरीके इंतहाई कारगर साबित होते हैं और अक्सर मनफी रद्द अमल के आमिल होते हैं। आज हम आपको वो आसान बेज़र्र और इंतहाई कारामद तरीके बताएंगे जो बासानी दस्तियाब होते हैं और इनके मनफी असरात भी नहीं होते। लहसुन। लहसुन के बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं। इसकी जड़ से उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है जिन्हें मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी करने में किसी किस्म की कमज़ोरी का सामना करना पड़ता हो। लहसुन बहुत ही मुफीद कुदरती टांक है। इसका तरीका इस्तेमाल नहायत ही आसान है। सिर्फ 2 से 3 तोरियाँ लहसुन की हर सुबह निगल लें और इसके हैरान को नताइज से लुत्फानंदोज हों। प्याज। कुदरत ने प्याज में वो खसूसियत पिन्हा की है कि अकल गुम हो जाती है। जैसे अगर अजू बदन सही तरह से काम ना कर रहा हो तो प्याज इस कमजोरी को ना सिर्फ दूर करता है बल्कि इसे कुदरती हालत में वापस लाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि खाने के साथ प्याज खाएं, प्याज को सलाद का लाजमी हिस्सा बना लें। गाजरें। बहुत से दीगर तिब्बी फवायद के अलावा जिनसी स्टेमिना बढ़ाने के लिए गाजरों का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। ये बहुत ही हैरान कन बात है कि गाजरें और अंडे शहवत को उभारने और टैमक को बढ़ाने में बहुत मुफीद साबित ठहरे हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है 150 ग्राम गाजरें काट लें, इसमें हाफ बॉयल अंडा शामिल करें और फिर शहद में डबो कर खाएं। सिर्फ 1 माह रोजाना ये मुरक्कब खाने से आपको हैरान को नतायज देगा। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।